जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम आए थे सतगुरु भगवान की कुटी में पूजा करने के लिए। तो सतगुरु भगवान की हमने पूजा कर लिया और यहाँ पर हमने पानी भी खोल दिया है कि पौधों में पानी जाए। और पूरा 1.5 घंटे से बुधराज भैया झाड़ू लगा रहे हैं और यहाँ पर हमारे दादू भैया भी गाय भैंस की देख रेख कर रहे हैं। तो चलते हैं, हमारी बर्तन वाली भाभी भी आ गई हैं तो बर्तन साफ कर रही हैं, और हमारी भाभी जी चूल्हे की लिपाई पुताई कर रही हैं, और हमने आंगन की धुलाई कर लिया था। इसके बाद हमने तुरंत नहा लिया। नहाने के बाद हम कर रहे हैं भगवान जी की पूजा, यानी घर के मंदिर की पूजा। इससे पहले पानी रख देते हैं गर्म करने के लिए और अपने लिए चाय रख देते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना जल्दी निकलना भी है। और ये बोल तो रहे हैं कि 10:30 बजे तक निकल लेना है, लेकिन भाभी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा, बिना खाना खाए नहीं निकलना है। कभी भी घर से लड़की की जब विदाई होती है तो ऐसे नहीं विदा किया जाता, खाना खा कर के ही विदा किया जाता है। और हमारे दादू भैया भी गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं आप महाराज जब जब आते हैं ना बहुत ही जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन इस बार हम जल्दी नहीं करने देंगे, 12:30-1 बजे तक आप लोगों को जाना है। तो यहाँ पर हमने तुलसी मैया की पूजा कर लिया। पूजा पाठ करने के बाद हमने चाय भी ले लिया। अब हम लौकी छील लेते हैं, क्योंकि भाभी कह रहे हैं कि लौकी की सब्ज़ी बना देते हैं। दाल चावल पक रहा है और भाभी भी लगी हुई हैं किचन में, तो जल्दी बना लेते हैं खाना। इसके बाद सबको खिलाते हैं खाना। तो गाइज, खाना बन करके तैयार हो गया और भाभी जी ने बनाया है अमिया डाल करके दाल चावल चटनी सलाद रोटी, यानी पूरा खाना बन गया। तो जल्दी हम सबको खाना निकाल देते हैं और भाभी बोल रही हैं कि जल्दी सोभा खा लो तुम भी। तो हमारी खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। भाभी बोल रही हैं सिर्फ एक ही रोटी खा लो। हमने कहा चलिए थोड़ी सी तो खा ही लेते हैं, क्योंकि हम रास्ते में भी कुछ भी नहीं खाते हैं। और यहाँ हमारे भैया जी देखिए हम लोगों की जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी सबकी पैकिंग कर रहे हैं। रानी के लिए, हमारे लिए, रुचि के लिए, सबके लिए दही मट्ठा सत्तू। और सच बताएं ना, दिल से कहते हैं कि हमारे भैया भाभी बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर भाभी रोने लगती हैं, रोते रोते हमको अचानक हंसी आ गई। पता नहीं कौन सा मजाक भैया जी ने कर दिया तो एकदम से हंसी आ गई। हाँ, भैया जी बोल रहे थे कि महाराज को भी विदाई दो, तो हमने कहा भाभी इनको क्या विदाई देना है, हमको बस दिया करिए, इनको मत दिया करिए। इसी बात पे ना हमको हंसी आ गई। सो गाइस, हम लोग निकल लिए हैं और मायके आते समय इतनी खुशी होती है, लेकिन जब जाने का टाइम आता है ना तो चेहरा उदास हो जाता है। यमुना मैया की जय। जाते समय भी दर्शन कराते हैं, आते समय वापस आते समय भी दर्शन करवाते हैं। गाड़ी अरे यार ये खट भी आ रही है तो हम काहे न जा पाए। 2:30 बज रहे हैं। क्यों मनु, क्या टाइम होगा, 1:30 बजे दोपहर में ना 1:30 बज रहे हैं। और भाभी कह रही थी इतनी तेज धूप में दोपहर में जा रहे हो, मत जाओ शाम तक निकलोगे। लेकिन हम लोगों को ना लखनऊ टाइम से ही पहुँचना भी है। कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रही है, यहाँ पानी रहता है। इस बार जमुना मैया में खूब जल है। सो गाइज, हम लोग आ गए फतेहपुर और आज ना हमारे सर में इतना तेज दर्द हो रहा है, तो बार बार हम सर को दबाते भी जा रहे हैं और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। मनु कह रहे हैं माँ कुछ खाएंगी आप, हम कह रहे हैं बेटा हम कुछ भी नहीं खाएंगे, आपको जो खाना हो आप खाइए। मनु का शुरू, मामा जी के यहाँ का आइटम खत्म। क्या खा रहे मनु, हमको भी खिलाओ, सबको खिलाओ। मनु ये गाड़ी वाला हमको वहाँ मिला था, कहाँ, खागा वाले रोड पे। एक बोतल कोल्ड ड्रिंक फिनिश कर लिए मनु, अकेले नहीं पिए, हम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी पिलाए। हम लोग आ गए लालगंज। मार्केट जाते समय ना इतनी खुशी होती है, बट आते समय ना मनु बाबा को एक और दिलवा दे क्या यार, अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन मारुति की, भाभी भी याद कर रही होंगी, हिचकी आ रहे हैं। भाभी ये कह रहे हैं भाभी सो न गए, हमने कहा भाभी हमारी तरह ना दोपहर में कभी सोती नहीं है। जब हमारे खाना भी नहीं खाई थी, खाना खाई होंगी, कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े धुली होंगी,
हाईवे है, अकेले बढ़ जाती है ना, इसलिए ना उनके लिए बहुत काम हो जाते हैं। आप गंगा एक्सप्रेस के बाद हमने साड़ी डाल लिया था, हमने सोचा था ससुराल जाएंगे, पर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, टाइम काफी हो रहा है, नहीं जाएंगे, फिर कभी आएंगे। माँ भगवती के तो अक्सर आप लोगों को महामाया मैया के दर्शन करवाते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे ने मनु कहाँ मिलाएगा, मनु खाने में लगा, इसीलिए तो वहाँ से खाना नहीं खा रहा था। सुबह मामी ने बनाया मैगी, रास्ता फिर इतना खराब वाला मिल गया क्या? नहीं, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा भैया। अच्छा, यहाँ से पकड़ोगे तो सीधे संग्रामगढ़ निकलोगे। झूला जैसे झूलाने लगे, झूला जैसे झूलाने लगते। मिला रहे हो मनु? पैसे मिला। और इस बार हमारे दादी इतना खुश थे हमारे लिए, रानी के लिए, रुचि के लिए, सबके लिए। सत्तू है, दही, मठा, पूरी गाड़ी ना भूले। मनु कह रहे हैं मामा खाली गाड़ी लेकर के जाते हो और फुल करके गाड़ी लाते हो। और अपने खेत का ना हम गेहूँ भी रख लाए हैं। अच्छा, इस बार आप भी खूब भाभी को याद कर रहे हैं ना? चलिए अच्छी बात है, हम तो अपनी भाभी को याद ही करते रहते हैं, आप भी खूब याद कर रहे हैं। होली में भी भाभी हम लोगों का इंतजार करती रही। 502 कह रहे हैं होली तो ससुराल की अच्छी होती है। मनु हमको भी थोड़ी खिलाइए। हाँ तो लाई, आपके फोन में है। सो गाइज, हम लोग आ गए लखनऊ और पहले चलते हैं रानी के यहाँ, क्योंकि रानी का रुचि का जो सामान है वो सब निकाल देते हैं। नहीं, फिर वहाँ ले जाओ, फिर वहाँ से फिर यहाँ पर लाओ, और फिर आने जाने में ना बहुत ही परेशानी होती है। और इस समय लखनऊ में काफ़ी गर्मी भी हो रही है, तो हम पहले बैठते हैं, रानी को आवाज़ लगाते हैं। और रुद्रांश तो हमको बाहर ही मिल गए थे, और अभी ना आप लोगों को रुद्रांश से मिलवाते हैं। कितनी गाड़ी रुद्रांश निकाल रखा है। हेलो गाइस, मेरी गाड़ियाँ। रुद्रांश से आप लोग मिली है, रुद्रांश कितना खुश हो रहे हैं मनु भैया को पा करके, है ना? कितनी गाड़ी इकट्ठा किए हो, एक दो गाड़ियों में हमको लेकर के चलिए। हाँ, दादू मामा ने बुलाया है। ये छोटी ये कार है। कितनी गाड़ी है, आप पछुआ धाम क्यों नहीं जाते मामा जी के पास? कितना मामा जी याद करते हैं। मामा, मेरी गाड़ियों में अभी पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल पापा जी से कहिए, पेट्रोल डराते हैं क्यों? मेरी गाड़ियों में देखिए गाइस, कितनी गाड़ियां हैं इनके पास, देखिए। और ये जाते नहीं पछुआ धाम, एक से एक गाड़ियां हैं, देखिए। रुद्रांश चलेंगे, बताइए क्यों रुद्रांश? निछावर करने लगे तुम कल। ये अपने दादू मामा से पूरा एक घंटे बाद की है वीडियो कॉलिंग, क्यों? और इतनी गाड़ी है, अभी हम बताते हैं कितनी रुद्रांश के पास गाड़ी है। बट रुद्रांश ना जाते नहीं पछुआ धाम। अब जाओगे ना? कब जाना है बोलो। पैसा मामा जी कितना याद करते हैं। रानी जल्दी मट्ठा लो, मट्ठा वाला आया है। रानी अपने साली साहिबा को मट्ठा दे रहे हैं। आपको उनका 14 लाख रुपए। किसको? पापा को। रुद्रांश कितना अच्छा बोलता है ना। पापा, ये तो पहले बस घर पहुंचने वाला। टाइम मनु कितना होगा? 3 बज गए। 3 बज रहे। 4 बजे। जैसे ही हम आए, दीदी जी यहीं पास में रहती है ना, तो हमने बुला लिया। वो हरे वाले बिरवा लाए हुए थे, और पीछे गाड़ी में मतलब वो भैया जी डाल दिए थे, हमको पता ही नहीं था। रानी के यहाँ दिए ही नहीं, फिर हमने रानी को भी कह दिया कि अगर कोई इधर आए तो मंगवा लेना शाम को। और दीदी जी को भी बहुत पसंद है ना वो हरे हरे वाले बिरवे। तुरंत इन्होंने फ़ोन किया, दीदी आप आ जाओ, थकी मारी थी, हम चलते हैं। अमीना ने चाय बना दी, अभी भी नहीं, क्योंकि बुला रही है सुबह रानी हमारी। हाँ, क्योंकि रानी क्या कहते रहेंगे, इतनी जल्दी जल्दी ये ले करके और करे मुझे ऑफिस जाना, ये हो है। तो यहाँ चाय पी लिए, थोड़ी आराम मिला। और दीदी जी को हमने मट्ठा भी दे दिया, बिरुआ भी दे दिया। बिरुआ आप लोग कहोगे हरे हरे, ग्रीन ग्रीन भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं, हंसी भी हो गई। शुद्ध भाषा हरे हरे, हरे हरे। हाँ, अभी अपने पछुआ धाम से आ रहे हैं ना, तो वहीं से सब निकल भी रहा। हाँ, वो धाम ये दीदी, हमने उस वहाँ का नाम तो पछुआ है, लेकिन चारों तरफ ना वहाँ पूजा पाठ, रामायण का पाठ, ये सब होता रहता है। इतना अच्छा लगता है। अरे, सदगुरु भगवान की कुटी बनी है, आप हमारे ब्लॉग में देखिए,
देखिएगा इतना अच्छा लगता है, मोर पपीहा कोयल सुबह शाम ऐसे मतलब नृत्य करते हैं वहाँ पर, तो इतना अच्छा लगता है कि तो उन लोग जब तो लोग वीडियो बना के लाया करो ना। नहीं लाई हूँ, मोर तो जितनी समय कभी कभी शुरू में मिल जाते हैं, कभी कभी जब हम लोग जाते हैं तो उड़ जाते हैं मोर, जैसे पास में जाते हैं मेरे सामने नहीं है वो डेली सुबह चालू हो जाएंगे, कभी कभी जैसे मोबाइल लेके जाएंगे वैसे उड़ जाएंगे। एक दिन तो हम थोड़ी सी वीडियो बनाए तो सब बहुत अच्छा लगता है। कभी चलिए आप छमुहडा, हमारे भैया भाभी ना बहुत स्वागत करेंगे आपको, बहुत अच्छे हैं सब लोग। चलो प्रोग्राम आएंगे। एक बार रानी की फ्रेंड गई थी, अभी तक याद करती है, कहती शोभा भाभी तो अरहर की दाल इतनी टेस्टी बनाती है, जब उसमें देसी घी ताज़ा वाला डालती है एकदम से दाने वाला घी ना, तो मनु तो आज जब मैं रोटी चुपड़ रही थी मनु पा गएगी तो चम्मच से लेकर ऐसे खाना शुरू कर दे, करे मम्मा घी बड़ा अच्छा लगता है, मामी के यहाँ का इतना टेस्टी घी कि पूछो नहीं। तो सब यही है, बहुत ही अच्छा लगा। कभी चलिए आपको चित्रकूट हर जगह घुमाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। लग जाते अपने काम में, अभी पूरे हमारे जितना सामान लेकर के हम आए हैं ना सब पूरा हमारा लाइन वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, हम बैठ करके सब लोग ऐसे बातें करने लगे। सो गाइज ये है गेहूं की बोरी, ये ना बाहर ही डाल करके चले गए हैं ऑफिस, और वो सामने वाले भैया भी नहीं है कि उनको बुला करके और इनको अंदर करवा ले, तो हम ही खींच खींच करके इनको किनारे कर देते हैं। इसके बाद पूरा सामान खाली हुए हैं, सबको प्रसाद दे दिए, मट्ठा दही, और भाभी ने ना इस गैलन भर मट्ठा है दिया था, बांटते बांटते अब थोड़ी से कम हुआ है, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ें ना ज़्यादा समय के लिए रखना चाहिए। दही भी सबको दे दिए, अपने लिए ना थोड़ी ही बचाए हैं, और टाइम ना 6:30-7 बज रहे होंगे, पूरा 1.5 घंटे हम नीचे सभी बांटने में पूरा टाइम निकल गया, और ग्रीन वाले बिरुआ भी हमने सबको दे दिया। अब जा रहे हैं प्रसाद सासू माँ को देते हैं, क्योंकि सासू माँ की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनके कमर में दर्द है, तो उनको ना डॉक्टर ने ना कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है, मीना ही अभी नीचे बताई, नहीं तो जैसे सुनती ना वैसे नीचे पहुँच जाती, तभी हमको पता चल गया कि सासू माँ नीचे क्यों नहीं आई है। अब बचा हुआ है सित्तू, तो सित्तू ना आराम से डिब्बे में इसको रखेंगे तब सबको देंगे, और सबके बैग वगैरह सब रखे हुए हैं। अब आज ना बैग कुछ भी खाली करने वाले नहीं, क्योंकि गंदे कपड़े ज़्यादा कुछ भी नहीं हैं, सबके साफ कपड़े हैं, और अब लग जाते हैं अपने काम में, किचन के थोड़े बहुत काम करते हैं, वैसे तो मीना भी सब कर। सो गाइज हम भी लग गए हैं अपने काम में, और ये किप्पी में ना हम लाए हुए हैं कड़ुआ तेल लाए हुए हैं, क्योंकि हमेशा ना हम मायके से ही ले आते हैं कड़ुआ तेल, यहाँ कभी नहीं खरीदते हैं। अपने मायके का ना ये कड़ुआ तेल अपने सामने ही सरसों को साफ करके और भाभी पिरवाती हैं। सो गाइज ये तेल ना आप सर में भी लगा सकते हो, बच्चों को भी लगा सकते हो, और सब्जी हो पूड़ी हो ज़्यादातर हम कड़ुआ तेल ही इस्तेमाल करते हैं। और ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो बच्चों के लिए हम रास्ते में कुछ भी नहीं लिए थे, और क्योंकि खाने वाला सामान ना हर जगह से नहीं लेना चाहिए, आप अक्सर जहाँ से लेते हो वहीं से लेना चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना ना तो आप खाइए ना तो बच्चों को खिलाइए। और मनु कह रहे हैं कि प्लीज़ मम्मा कुछ मत बोलो, हर 15 दिन में 20 दिन में ही मंगाएंगे, और इस समय ना बहुत ही ध्यान दीजिए अपना खुद का भी और बच्चों का भी, क्योंकि हर घर में ना एक दो लोग फीवर में पड़े हुए हैं, और हम तो गाइस इस समय बहुत ही घूम रहे हैं। आप लोग भी कहते होंगे कि जब देखो हमारी दीदी घूमती ही रहती है, कुछ ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि सो गाइस बच्चों की ना 3 दिन की छुट्टी थी इसीलिए हम लोग निकल लिए थे। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे, ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।